आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने देश भर में जन जागरण अभियान चलाने रथ यात्रा निकाली, जो जम्मू से शुरू होकर नई दिल्ली में समाप्त होगी। इस रथ यात्रा के खंडवा पहुंचने पर विभिन्न समाज के लोगों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आर्थिक आधार पर पिछड़े और गरीब लोगों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर निकली जन जागरण अभियान रथ यात्रा खंडवा नगर पहुंची, जहां जनप्रतिनिधियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि यह यात्रा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश से होते हुए आगामी 7 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट और जंतर मंतर पहुंचेगी, जहां जनसभा के बाद यात्रा का समापन किया जाएगा। 9 अगस्त 2022 को हमने एक राष्ट्रव्यापी तीसरी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए सभी जातियों के आरक्षित और अनारक्षित जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए जम्मू से शुरू की है, जो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश में आई है। यहाँ से महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार होते हुए 7 अक्टूबर को दिल्ली में इसका पहले फेज का समापन होगा। ये हमारी तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा है। इसमें पहली मांग है देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, और दूसरी मांग है सामाजिक समरसता का माहौल हो, क्योंकि ये दोनों मांगें जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता, जब तक जातिगत आरक्षण समाप्त नहीं किया जाता, तब तक देश में सामाजिक समरसता का माहौल नहीं आ सकता, और जब तक सामाजिक समरसता का माहौल नहीं आएगा, ना देश मजबूत होगा, ना राष्ट्र मजबूत होगा, ना हम और आप सभी मजबूत होंगे। और तीसरी मांग है हमारे महान पुरुषों के इतिहास के साथ छेड़खानी ना किया जाए, उसको इतिहास को संरक्षण दिया जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए।